गाइस, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ ऐसे फेस योग आसन जो आपके फेस को बहुत सुंदर बना देंगे। अगर आपके पिगमेंटेशन है तो वो चली जाएगी, अगर रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, आंखों के नीचे बिल्कुल डार्क सर्कल्स आ गए हैं, पफिनेस आ गई है, या फिर आपकी आईज बहुत ज्यादा धस चुकी हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, आपकी स्किन को नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल बना देगा। क्योंकि देखिए, मार्केट में बहुत तरह के क्रीम्स अवेलेबल हैं, बहुत तरह की पीलिंग अवेलेबल हैं, बहुत तरह के फेशियल्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनका जो असर होता है सिर्फ तब तक रहता है जब तक हम उनका इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हमारी स्किन और ज्यादा डल हो जाती है क्योंकि वो केमिकल से भरी होती है। जितना केमिकल अपने हम फेस पर इस्तेमाल करते हैं उतना ही हमारा फेस डे बाय डे डल होने लगता है ना। तो इसके लिए योग आसन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप रोजाना की जिंदगी में शामिल कर लें तो बिना किसी क्रीम के, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी चीज़ों के आप अपने फेस को बहुत सुंदर बना सकते हैं। कैसे करना है फटाफट से देख लेते हैं, लेकिन रोजाना आपको इसको फॉलो करना है और सिर्फ 10 मिनट आपने अपने फेस को देने हैं। अगर आप अपने फेस को 10 मिनट देंगे ना तो आपके चेहरे से आपकी एज का पता ही नहीं चलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, आपके जो फेस योगा आसन करने के बाद जो रिजल्ट रहेंगे आपके फेस पे, वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू वो भी जरूर बताइएगा, मैं आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार करूंगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishamehra। पहले योगासन के लिए आपने क्या करना है, अपने मुंह के अंदर आपने एयर भरनी है, ठीक है, इस तरीके से। देन उसको होल्ड करना है। होल्ड करने के टाइम आपने अपनी ब्रीथ को होल्ड नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग सांस को रोक लेते हैं। सांस नहीं रोकना है आपने, आपने सांस नॉर्मली लेते रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जब मुंह में हवा भरनी है तो 10 सेकंड्स के लिए आप इस तरीके से उसको लॉक करके रखिए, देन उसको रिलीज कर दीजिए। ये क्या करता है, आपके चेहरे को बिल्कुल फूल की तरह खिला देता है। आपके जो यहाँ पे लाफिंग लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आने की समस्या हो गई है, झुर्रियाँ आ रही हैं, आपकी उम्र नहीं है, तो भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। लेकिन एक बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी योग आसन कम से कम आपको 5 से 6 दफा रिपीट जरूर करना है। ये नहीं कि आपने रोजाना एक बार किया और हो गया। और जो मैं आज आपको इस वीडियो में सारे योगासन बताऊंगी, उस सारे योगासन को आपको डेली फॉलो करना है, तो विद इन अ मंथ आपके चेहरे पर अल्टीमेट रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। अगले योगासन के लिए आपको अपने फेस को एकदम फिश पोज बनाना है। कैसे, अपने गालों के अंदर टक करना है, इस पोजीशन को 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, देन रिलैक्स। ऐसा ही आपको 5 से 6 दफा करना है। ये आपके बहुत जल्दी जो यहाँ पे स्किन सैग हो रही है, आपका जो ये एरिया बहुत ज्यादा सैग हो जाता है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, उन सबको ये रिड्यूस करता है और साथ के साथ आपका जो नेचुरली यहाँ पे फेस को बहुत अच्छा कट देता है। तो चलिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट योगासन स्पेशली हमारी आईज के लिए, क्योंकि हमने फेस को टारगेट किया, हमने झुर्रियां ली, हमने यहाँ की लाफिंग लाइन ली, चेकबोन लिया, तो आईज के नीचे भी हमारी स्किन, देखा है आपने, सैग करने लगती है, इस एरिया में झुर्रियां आने लगती हैं। बहुत सारे लोगों की आईज पफिनेस की प्रॉब्लम होती है, पूरा दिन ना सूजी रहती है आंखें, है ना, तो वो बहुत थोड़ा सा खराब फील होता है हमें देखने में खुद को। तो उसको हमें क्या करना है, हम योग करके उसको भी ठीक कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, आपने अपनी मिडिल फिंगर यहाँ रखनी है और अपनी इंडेक्स फिंगर आपने कॉर्नर में रखनी है, इस तरीके से आपने ऊपर की तरफ देखना है और एक टक आपने एक जगह को देखते रहना है। यहाँ पे होते हैं हमारे प्रेशर पॉइंट, जो प्रेस करने से आपके रिंकल्स की और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों के इस एरिया में लाइंस आने लगती हैं आईज के पास, तो वो भी इससे रिड्यूस हो जाएंगे। रिलैक्स।
ऐसा ही आपको 5 से 6 दफा करना है। अब बारी आती है हमारे फोरहेड की। बहुत सारे लोगों के फोरहेड के यहाँ पे लाइंस पड़ने लगती हैं। जब हम ऐसे बात करते हैं तो हद से ज्यादा लाइंस आती हैं। और गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम क्या आता है, गर्ल्स की स्किन सबसे ज्यादा बेबी सॉफ्ट जैसी होती है बॉयज के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों के फेस पे ना मेंस के अकॉर्डिंग जल्दी रिंकल्स आने लगते हैं, जल्दी बुढ़ापा दिखता है, जिसको हम डिले कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, एज सबकी आएगी, सबकी एजिंग होगी, लेकिन उसको हम डिले जरूर कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, अपने पूरे हैंड को इस तरीके से फोरहेड पे रखना है, थंब को अपने साइड पे रखना है, इस जगह पर इस तरीके से प्रेशर देना है, देन पूरा स्क्वीज करते हुए अपने स्किन को यहां पर प्रेशर देना है। ठीक है, अपनी पूरी फिंगर टिप से आपने पूरे अपने स्किन को खींचते हुए, लिफ्ट करते हुए नीचे की तरफ आना है। तो चलिए इसको फॉलो करते हैं। Like this. इसको भी आपको कम से कम 5 से 6 दफा करना है रोजाना, और वही 1 महीना लगातार। नेक्स्ट योगासन के लिए आपको क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर को लेना है और अपनी आई बॉल पर इस तरीके से 10 times क्लॉकवाइज और 10 times एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। ऐसा करने के टाइम पे आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, कोई अपने आसपास गैजेट्स नहीं रखने हैं, क्योंकि योगासन एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल शांत वातावरण में किया जाता है। वहीं ऑपोजिट हम एक्सरसाइज को बहुत लाउड म्यूजिक में करते हैं, बहुत ही हलचल वाली उसमें एटमॉस्फेयर में करते हैं, लेकिन योगासन जो होता है वो आपके मन को शांत करता है। तो उसमें एक ऐसी पावर होती है, जब आप एकदम शांति भरे एटमॉस्फेयर में करेंगे, गैजेट्स को अपने आप से दूर रखेंगे, तो आपके फेस पे, आपके पूरे बॉडी पे उसका बहुत जल्दी इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आई होप कि आप लोग भी मुझे फॉलो कर रहे होंगे देखने के साथ साथ। गुड, रिलैक्स। ठीक है, बिल्कुल आपने अपना माइंड एक जगह केंद्रित रखना है, शांत रखना है, और जब आप इस आसन को फॉलो करें तो 2 मिनट्स के लिए अपनी आईज को ऐसे क्लोज करें, देन उसके बाद धीरे से ओपन करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट योगासन में हमें अपनी पूरी मसल को स्क्वीज करना है, ये लास्ट योगासन है। और स्क्वीज करने से क्या होता है, आपके पूरे फेस पे बहुत अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है सारे योगासन से, जिससे कि आपकी मसल रिलैक्स होती हैं और आपके फेस पे नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो आता है। तो चलिए इसको फॉलो करिए, और योगासन का कोई भी समय नहीं है, सुबह हो या शाम कभी भी कर सकते हैं, वैसे बेटर होगा कि आप सुबह करें। ठीक है, आपने जैसे अपनी फिंगर को स्क्वीज करा, टाइट करा, होल्ड करा, वैसे ही आपने अपने फेस को करना है, देन ओपन करते टाइम अपने फेस को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। ठीक है, ऐसा आपको कम से कम 5 से 6 दफा करना है। ये बहुत ही एंटी एजिंग, रिंकल फ्री फेस योगास है, जो आपकी एजिंग को 101% डिले करेंगे ही करेंगे, और आपके फेस को नेचुरली बहुत सुंदर बना देंगे। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो बस ऐसे ही मुझे हमेशा फॉलो करते रहे। फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे भी आप जा सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishramehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।